वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे डी यू एम एस सी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2020 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। देखो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि आपके पास में बचे हैं 3-4 दिन, और 3-4 दिन में आप कोई डीप स्टडी करने मत बैठना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस एम सी क्यू अटैम्प्ट करने, चाहे वो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज़ के हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज हो, कहीं से भी करने हैं, बस आपको करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, होता क्या था, जैसे 2022 में मैंने अटैम्प्ट किया था एम एस सी जूलॉजी एंट्रेंस का पेपर, जिसमें मेरे 72 मार्क्स थे, और 72 मार्क्स पर मैं एच पी नहीं मिला था। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ इस पेपर में। तो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है आपको। और अगर मैं बात करूँ तो हमारे इसमें में ऐसा नहीं होता कि कोई वीडियो डाल रहा है, यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल रहा है, एक टेलीग्राम में कोई चैनल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता था। और स्पेशली हम बात करते हैं काउंसलिंग के वक्त, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो सकता था, बट मे बी हमको पता नहीं था कि हाँ इस कैटेगरी के थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते थे या वगैरह वगैरह। तो ऐसी दिक्कत आपको ना आए, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी एम एस सी जूलॉजी एंड जूलॉजी वालों के लिए और बाकी जितने बच गए आपके स्ट्रीम्स, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उन सभी के टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैंने उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कॉलेजेस में। पता होना चाहिए कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कहाँ कितने सीट्स हैं, ठीक है, बाद में दिक्कत है, बाद की प्रॉब्लम है, बट आपको अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ या बनाऊँ, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बने रहना है। दूसरी बात मैं करूं तो जो भी बच्चा 27 तारीख को NSCBM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में पेपर देने आएगा, तो उसको 2 घंटे पहले मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है हमीरपुर में, ठीक है। आपको थोड़ा मैं हिंट दे दूंगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 2 घंटे पहले। आपके शाम को पेपर होता है MSc जूलॉजी वालों का 2 बजे से, तो 12 या 1 बजे तक मेरे से मिल लेना, ठीक है, NSCBM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इफ हाइड्रा इज कट इनटू मेनी पीसेज, हाइड्रा को मैं विभाजित कर दूँ, कट कर दूँ मेनी पीसेज में, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, ईच पीस विल डेवलप्स इनटू अ यंग हाइड्रा, ईच पीस हैविंग अ बिट ऑफ न्यूक्लियस विल डेवलप्स इनटू अ यंग हाइड्रा, ईच पीस हैविंग अ बिट ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विल ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ यंग हाइड्रा, ईच पीस विल डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 2, बोटायोडाइलल टिश्यू इज फाउंड इन, तो आपका आंसर देख लिया होगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लीचेस में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 और ये आने के चांसेस हैं, द एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स इन हर्ड मेनिया इज, हर्ड मेनिया हार्ड टस्क होती इसमें, तो ये जो होता है ये इसकी एक्सक्रिटरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, तो प्रोटोन एफ्रिडिया, सोलिनोसिस्ट, न्यूरल ग्लैंड्स या फ्लेम सेल्स। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, प्रोटोन एफ्रिडिया तो एलिमिनेट हो गया, कहाँ होता प्रोटोन एफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स दोनों एलिमिनेट हो गए, अब बताओ सोलिनोसिस्ट या न्यूरल ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 3rd, न्यूरल ग्लैंड्स। यहाँ पर देखो आप, जो आपको 4th क्वेश्चन दिख रहा है ये मैंने कल ही डिस्कस की थी, जिसमें मैं आपको बताया कि आपको 70+ स्कोर कैसे करना है। मैंने कल आई थिंक MSc जूलॉजी 2022 का पेपर निकाला था, जिसमें क्वेश्चन आया था कि एम्फियोक्सिस का जो ओरल हुड है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन था, तो तभी मैंने आपको बोला था कि एरिस्टोटल लैंटर्न पढ़ लेना, उधर से क्वेश्चन आ गया है। एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन अकाइनोकार्डियम, होलोथ्रिए, अकाइनस, ये कुकुम्बरिया, कुकुमेरिया। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3rd, अकाइनस और सी अर्चिन। देन क्वेश्चन नंबर 5th, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, ये भी क्वेश्चन 2022 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा था, पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन इस बार आया है, ऑप्शन बदले हुए हैं बट वही ऑप्शन है जो उधर था, टर्माइट, स्पाइडर, मॉस्किटो, आंट्स। तो उधर भी आपका ऑप्शन स्पाइडर ही था और इधर भी आपका ऑप्शन स्पाइडर ही रहेगा, ऑप्शन 2nd द राइट आंसर। तो अभी बोल रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन करो, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसको फुल वॉच करो, ठीक है। देन वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले 1 सेकंड, यदि आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है, यानी बहुत सारे MSCQ क्वेश्चन को आपको सिंपली क्रैम करना है, यानी रटना है, तो आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट की बुक है अरियंत की, इसकी आपको MCQ परचेज कर लेना, मात्र 49 रुपीज़ में आपको ये PDF मिलेगा। नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 43 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 43 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, और इन सभी के आपके MCQ आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला चैप्टर है लोअर नॉन कोडेड, इसके 80+ MCQ होंगे, देन आंसर की होगी,
देन सेकंड हायर नॉट क्राउडेड, इसके 80 प्लस एमसीक्यू होंगे, देन उसके आंसर की होगी। तो वैसे इसके टोटल 43 चैप्टर के आपको एमसीक्यू प्लस आंसर की आपको मिलेगी मात्र 49 रुपये में, साथ में दो प्रैक्टिस सेट एंड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहे हैं, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी होगी, एनिमल डाइवर्सिटी होगी, सेल बायो, ह्यूमन फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के एमसीक्यू भी आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में, और नंबर आपके यहाँ पर दिया गया, इस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। देन वीडियो को हम करते हैं कंटिन्यू। देन क्वेश्चन नंबर 6, गाइनेकोफोरा कैनन इज फाउंड इन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, आप सीधे ऑप्शन पढ़िए, मैं राइट आंसर बताऊंगा इसका। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पावरफुल मसल बाय विच द वर्ल्ड रेजेज एंड प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षी के पास कौन से मसल होते हैं जिनकी वजह से वो हवा में फ्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है फिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, पेक्टोरलिस मेजर। देन क्वेश्चन नंबर 8, न्यूरोमास्ट ऑर्गन इन फिशेज आर यूजफुल एज, न्यूरोमास्ट ऑर्गन इन फिशेज आर यूजफुल एज, करंट रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, न्यूरोमास्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, करंट रिसेप्टर्स। देन काफ़ी इजी क्वेश्चन आ चुका है दोबारा, और मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, सभी क्वेश्चन इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। वेलन ग्लोसिस इज आल्सो नोन एज, तो साइंटिफिक नेम पढ़ सभी के पढ़ के जाना, ऑप्शन एक या दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे। पिन वर्म, एक्रोन वर्म, टेप वर्म, रिंग वर्म, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, एक ही बचेगा, ओके। द राइट आंसर इज 2, एक्रोन वर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इन द रैबिट सिग्मॉइड नोच इज प्रेजेंट इन, रैबिट में आप सभी को बताऊंगा सिग्मॉइड नोच होती है तो वो कहाँ जैसे प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल गर्डन में, पेल्विक गर्डन में, टिबियो फिबुला में, या रेडिस अल्ना में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी रेडिस एंड अल्ना में। देन क्वेश्चन नंबर 11, सिंस सैक्रम इन फाउल इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर 11th का वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, थोरेसिस है, लुम्बार है, सैक्रल है एंड काउडल है, यानी 4th इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच द फॉलोइंग रेप्टाइल हैज 4 चैम्बर हार्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, टर्टल, सिफ्नोडोन, किंग कोबरा, क्रोकोडाइल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्रोकोडाइल। देन क्वेश्चन नंबर 13, फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल क्विलेक्स बिकॉज ऑफ इट्स सीट, देखो बैठने के तरीके से पूछा है कि फीमेल एनोफिलीज फीमेल क्विलेक्स से डिफरेंट होते हैं बैठने के तरीके से, तो जो एट द एंगल विद द सबस्ट्रेटम, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, एट द एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, या विदाउट यूजिंग ऑल 6 लेग्स, तो ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दो, अब बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एट द एंगल विद सबस्ट्रेटम। क्वेश्चन 14, द वेरियंट होमोग्लोबिन इन द सकल सेल एनीमिया बाइंड टू द ऑक्सीजन लेफ एफिशिएंटली, हाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफेक्टेड पॉपुलेशन एज इट हैज बीन सिलेक्शन एडवांटेज अगेंस्ट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया। देन क्वेश्चन 15, विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, सिम्बायोसिस, ट्राइकोनिम्फा, कमेंसलिज्म, बैलेंटेडियम, पैरासिटिज्म, ट्रैपैनोसोमा, या फ्री लिविंग पैरामीशियम। देखो इनकरेक्ट बोला है, तो पैरासिटिज्म क्या ट्रैपैनोसोमा करता है, यस करता है, एलिमिनेट कर दो। कमेंसलिज्म, क्या बैलेंटेडियम में कमेंसलिज्म होती है, अब बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इधर आपको समझाना चाहिए कि कमेंसलिज्म बैलेंटेडियम में कहाँ होगी, ये किसके साथ कंपेरिज्म करता है, नहीं बैलेंटेडियम तो आपका डिजीज कोजिंग है, ये तो पैरासाइट है किस्म का, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, एरोटिक आर्टरी 6th गिव्स राइज टू द पल्मोनरी आर्टरी बट मेंटेन इट्स, क्या लिखा है, अ कनेक्शन, ओके, इसके कनेक्शन को कौन मेंटेन कर रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस,
डक्टस कैरोटिकस, डक्टस बल्बस या डक्टस न्यूमेटिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डक्टस आर्टेरियोसस। क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग एम्फीबियंस हैज ए पैरिटल पार्शियल इन वेंट्रिकुलर सेप्टम इन हार्ट। हार्ट में पार्शियल इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, पार्शियल है। सीरेन, प्रोटियस, राना टिग्राना या यूरिकोटाइफस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीरेन। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच द फॉलोइंग सॉरी विच पार्ट ऑफ द मिडल ईयर ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन टू द फेनेस्ट्रा रोटेंडा इन द इंटरनल ईयर। स्टेप्स, इंकस, मेलिस, टिम्पैनम। तो स्टेप्स, और स्टेप जो आता है सबसे छोटी हड्डी है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, थर्ड चैम्बर्ड इन द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट मैमल्स इज। मैमल्स का जो थर्ड चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, एबोमेशम, ओमाशम, यूरूमन या रेटिकुलम। तो ओमाशम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइप ऑफ द जो सस्पेंसरियम इन शार्क इज। शार्क में कौन सा जो सस्पेंसरियम होता है, ऑटो डायस्टालिक या एम्पीस्टालिक, हायोस्टालिक या स्ट्रिप्टो स्टाइलिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच द फॉलोइंग कंटिनेंट इज इंक्लूडेड इन टू द न्यू ट्रॉपिकल फौना रिलम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, को इवोल्यूशन। तो काफ़ी जी है, राइट आंसर इज थर्ड, एडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, ए नोवल फिनोटाइपिक ट्रेड्स दैट हेल्प्ड इन द सक्सेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड इट्स सब्सिक्वेंट रेडिएशन इज कॉल्ड। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं, इन नोबल फिनोटाइपिक ट्रेड्स दैट हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड इट्स सब्सिक्वेंट रेडिएशन इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं की इनवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर अकर एज द रिजल्ट ऑफ द मास एक्सटिंक्शन इवेंट दैट टुक प्लेस एट। मास एक्सटेंशन हुआ था, डायनासोर खत्म हो गए थे, तो वो कब हुआ था, एंड ऑफ द डिवोनियम पीरियड, एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, एंड ऑफ ट्रासिक पीरियड या एंड ऑफ परमियन पीरियड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन ओनली, होमोलोगस एंड वेजिटल ऑर्गन, होमोलोगस एंड एनालोगस, एनालोगस एंड वेजिटल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर है होमोलोगस एंड वेजिटल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 26, बर्गमैन रूल रेफर टू द जनरल टेंडेंसी ऑफ द मैमल्स। सिंपल पूछा है बर्गमैन रूल क्या होता है, आपको सारे रूल पढ़ लेने हैं, बर्गमैन रूल, एलन रूल। तो लार्ज इन साइज इन द कोलर एरिया ऑफ द इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉलर इन साइज द एरिया विद द डिस्ट्रीब्यूशन, डार्कर पिगमेंट या लाइटर पिगमेंट। पहले देखो इसने पिगमेंट के बारे में बोला था कि साइज के बारे में बोला था, इधर एलिमिनेट हो जाएगा दो ऑप्शन। तो ओके बताओ फर्स्ट या सेकंड, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, लार्जर इन द साइज इन द कोल्डर एरियाज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसने बोला था कि जो एनिमल कोल्डर रीजन यानी पोलर रीजन में होंगे वो बड़े होंगे एज कम्पेयर टू वार्मर रीजन वाले। ओके क्वेश्चन 27, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इवोल्यूशन इज द गोल ओरिएंटेड, म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन ऑलवेज रिक्वायर्ड द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो सामने दिख रहा आंसर, मैंने कल भी आपको डिटेल्स तरीके से पढ़ाया है कि एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक क्या होता है, यदि आपको पता होगा सिंपैट्रिक होता है अभी आप सोल्व कर दोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ट्रू के पूछा है ना, स्टेटमेंट ट्रू पूछी है। लास्ट वाली लिखी जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सिंपैट्रिक होता है विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो ये तो एलिमिनेट हो जाना था। म्यूटेशन ऑलवेज हार्मफुल नहीं हो सकते म्यूटेशन से, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इवोल्यूशन इज गोल ओरिएंटेड, नथिंग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फिलोसफी इज जूलॉजी क्यू, काफ़ी फेमस बुक है और ये तो भाई सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे, चार्ल्स डार्विन, जीन बेपसाइट, लेमार्क,
रिचर्ड्स डॉकिंस एंड रसल वैलेंस से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और बुक्स के बारे में पढ़ लेना, कौन से बुक किसने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिलोसफी ऑन ज़ोलिस्क्यू, काफ़ी फेमस बुक है, ये लिखी थी अपने जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने लिखी थी ये। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, विद इन द स्मॉल पॉपुलेशन वेरिएशंस कैन अकर इन द जीन फ्रिक्वेंसी बाई चांस रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। ओके 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 ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक स्मॉल पॉपुलेशन थी, वहाँ से अचानक से ही वेरिएशन आ गई, और वेरिएशन कैसे आई, बाय चांस ही वेरिएशन आ गई, कोई वहाँ पर कोई कुछ हुआ नहीं, कुछ वहाँ पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, या कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुई, बाय चांस हो गया। तो क्या वो जेनेटिक फ्लो हुआ, या जेनेटिक लोड हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, या जेनेटिक एल्गोरिथम हुआ। बा काफ़ी इजी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और स्पेशली जेनेटिक ड्रिफ्ट की मैं बात करूँ तो ये आपका बोटल नट इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, मोनार्क एंड विजोरी बटरफ्लाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मिमिक्री से क्वेश्चन आया है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो अभी, थर्ड एंड फोर्थ को, ये मुलेरियन मिमिक्री है, वेट्सन मिमिक्री है, पढ़ लेना दोनों मिमिक्रियाँ, मुलेरियन मिमिक्री इज द एक्चुअल मिमिक्री एंड वेट्सन इज नॉट एक्चुअल मिमिक्री बट इट्स प्रिडिक्ट लाइक दैट ऑफ द एनिमल्स। ओके, तो मोनार्क एंड विजोरी बटरफ्लाई, तो ये आपकी वेट्सन मिमिक्री। क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग द इम्पल्सिस इन द हार्ट इज, हार्ट में करेक्ट रूट पूछा हुआ है, एसए नोड, प्रकंजा फाइबर, बंडल ऑफ हिज, ए बी नोड, तो ये तो ऐसे गलत लग रहा ना, प्रकंजा फाइबर कहाँ आगे जल्द स्टार्टिंग में ही, अब आगे देखो, एसए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज, ए बी नोड, क्या ए बी नोड आएगा स्टार्टिंग में, नहीं आएगा ए बी नोड, थर्ड फोर्थ तो एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट मैंने पहले ही कर दिया है, क्या बचा सेकंड वाला। ओके, एलिमिनेशन मेथड लगाया करो यार। विच द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेपिलरी रिफ्लेक्स, स्वेलिंग फूड यानी फूड को खाना, नी जर्क रिस्पॉन्स, या पेरिस्टाइलसिस। तो राइट आंसर होगा पेरिस्टाइलसिस। पेरिस्टाइलसिस होता है फूड का मूवमेंट, यानी जब हमने खाना खाया है तो वो पेट में आगे पीछे हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब पेरिस्टाइलसिस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपसे पूछा है करेक्ट मैच करना, आपको ऑप्शन दिए होगे नीचे ना, हाँ दिए हैं, पहले इसको देख लीजिए, आप कॉपी लिए हुए हैं, नहीं ली होगी ना, नहीं ली होगी पता मुझे, एक बना दो, एक बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, विटामिन के डी बी वन, के से क्या होता है, आपको के पता नहीं तो ए तो पता ही होगा, ए इज नाइट ब्लाइंडनेस, ए को थर्ड के साथ मिला दो। ओके, अब ऑप्शंस में देखो, ए थर्ड किसके साथ मिला हुआ है, तो ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, देन आपको बी वन मिलाना है, तो बी वन इज द बैरी बैरी। ओके, सी का वन देखो, अब सी का वन कहाँ पर है, ओनली ऑप्शन नंबर, ओके रुको एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, तो थर्ड में तो है, तो है बी बी वन, एक सेकंड, क्या किया उन्होंने, अच्छा अरे नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, के से तो रिकेट्स होते ना, ए का तो हो गया फोर, हाँ ए का तो हो गया फोर, तो इन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया सही, 157 कैसे से सकता है, नहीं, ये गलत ऑप्शन दिया उन्होंने, देखो क्योंकि देखो ए तो थे नाइट ब्लाइंडनेस ना, केस होगी रिकेट्स हो जाएगी आपकी, बी वन से हो जाएगी वेरी वेरी, कि बी टू से होती है वेरी वेरी, नहीं नहीं बी वन से होती है, और डी से आपका ये हो जाएगा हेमरगिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, मुझे तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है, ए का किया थर्ड ना, बी का फर्स्ट, नहीं बी का टू, ए का थर्ड, बी का टू, सी का फोर, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है मेरे को, तो बाकी देख लो, आपको कमेंट करना आपको कौन सा लग रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द फॉलोइंग इज द लाइट कंपास रिस्पॉन्स, जियो मैग्नेटैक्सिस, हाइड्रोटैक्सिस, मिनोटैक्सिस, या मैनिमोटैक्सिस,
इसका राइट आंसर है मीनोटैक्सिज्म। क्वेश्चन नंबर 35, द नॉन डिसेंडेंस ऑफ द टेस्टिस। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टेस्टिस जो है एब्डोमन में ही रह गए हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं गए, इलिंगुअल क्लान ब्लॉक हो गई है, तो कौन सा डिजीज हो जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, क्रायोसिडियम। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोफाइसियोकोटोमी ऑफ द अडल्ट फीमेल रैट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोफाइसियोकोटोमी, प्राइमोडर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, ग्राफिन फॉलिकल। क्वेश्चन नंबर 37, मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन होती है मोस्टली ZP3 और मे भी कई बार ZP2 भी हेल्प करता है, कई बार करता है, बट मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है ZP3 आंसर होगा इसका। कौन सा दिया ना, हाँ 3 दिया है, तो ZP3 आपको याद रखना है। ओके क्वेश्चन नंबर 38, वैसोप्रेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ये तो काफ़ी इजी है ना, वैसोप्रेशन को तो हाइपोथैलेमस बनाएगा, पारस डिस्टलिस, पारस इंटरमीडिया, पारस नर्वोसा। क्यों पारस में फंस खज्जल होना, अपने सीधा हाइपोथैलेमस कर दो। क्वेश्चन नंबर 39, इन द ऑर्गन ऑफ द कॉर्टाई एपिकल प्रोजेक्शन ऑफ द हेयर सेल्स आर इन द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद रेजिनल मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन, डिसेंडेंट मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो ये तो काफ़ी इजी ना, टेक्टोरल मेम्ब्रेन होगी ईयर के अंदर ऑर्गनो कोटे के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, द हॉर्मोन विच कॉज द मोल्टिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। थायरोक्सिन, एक्डाइसोन, प्रोलैक्टिन, जुबिलाइन हॉर्मोन। तो एक्डाइसोन को या मोल्टिंग हॉर्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इन द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल पूछा है अभी, तो सेल मस सोचना है जो नॉर्मल सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल पूछा है। तो जिसको पाइरुविक एसिड नहीं होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल में आपका पाइरुविक एसिड तो कभी बनेगा ही नहीं। एसिटाइलकोलाइन, पाइरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये 3PG है। तो राइट आंसर लैक्टिक एसिड। ओके मसल पूछा होता तो भी लैक्टिक एसिड ही होना था। ओके अगर वो पूछा होता, क्या बोलते हैं उनको, ईस्ट पूछा होता तो वहाँ पर अल्कोहल होना था। ओके क्वेश्चन नंबर 42, विच वोर ए गिवन फिक्स्ड लेंथ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड DNA मेल्टिंग टेम्परेचर TM इज। ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फोर इज गिवन फिक्स्ड लेंथ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड DNA, कोई एक फिक्स्ड लेंथ था डबल स्टैंडर्ड DNA हमारे पास, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GC कंटेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द GC कंटेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द AT कंटेंट, या नॉट डायरेक्टली टू द बेस कंपोजिशन। क्यों नहीं करेगा, बेस कंपोजिशन पर तो करेगा। आप मुझे बताओ GC कंटेंट जल्दी टूट जाएगा या AT कंटेंट जल्दी टूट जाएगा, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो जल्दी हमारा टूटेगा AT, क्योंकि AT के पास डबल बॉन्ड है, GC के पास तो थर्ड बॉन्ड है। हिंट मैंने दे दिया, आप आंसर बताओ। तो राइट आंसर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द GC बेस कंटेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा GC कंटेंट होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर से टेम्परेचर में हमारा DNA मेल्ट होगा ना। ओके क्वेश्चन नंबर 43, एट pH वैल्यू ग्रेटर देन pK ऑफ COOH ग्रुप इन द अमाइनो एसिड द अमाइनो एसिड विल बी। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा कि एट pH वैल्यू ग्रेटर देन pK ऑफ COOH ग्रुप इन अमाइनो एसिड विल बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उससे COOH से ज़्यादा चार्ज हम दे रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि COOH पहले से नेगेटिव होता है। कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द मसल एज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैंने पहले करवाया हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा आई थिंक। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR। क्वेश्चन नंबर 45, ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो इन द ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग सिंथेसिस द ATP इन द ग्लाइकोलाइसिस एंड फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो लो क्वेश्चन पढ़ लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर लास्ट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, BSC के बुक्स में पैरा दिया अच्छा सा। तो आपकी होती है लैक्टेज एंजाइम की कमी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओ एल्डोलेज थोड़ी होगा यार, अच्छा फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है,
वो होते ना लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, ये फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है। ओके तो एल्डोलेज होगा, एल्डोलेज की कमी की वजह से फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है आपकी लैक्टेज की वजह से। यही गलती होती है कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना होता है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ठीक है। क्वेश्चन 47, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस इज सप्रेस्ड एंड इट इज कॉल्ड एज, ऑप्शन पढ़ लीजिए, बोहर, वारवर्ग, पाश्चर, हेल्डेन। तो इस फैक्टर को बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 3.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, इसका राइट आंसर है 3.5। क्वेश्चन नंबर 49, डिटेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म रिलाइज इन द स्पेशलाइज्ड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कॉल्ड एज, तो काफ़ी चीज़ सदर्न ब्लोटिंग, जहाँ पर डीएनए का काम होगा तो वहाँ पर सदर्न ब्लोटिंग ही होगी। मसल फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी कोज द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं एमसी हर्डल डिजीज। ओके 50 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, बाकी 50 क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ को सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, ज्वाइन कर लो और अटेम्प्ट कर लो। ओके थैंक यू।